उत्तर प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। हेलो डियर चिल्ड्रन, लेट अस लिसन टू द स्टोरी द टॉय जंक्शन। बच्चों, ये स्टोरी है एक प्यारी सी बच्ची चमकी की। बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं, जैसे कि आप सब। चमकी वॉज ऑल्सो वेरी प्रेटी। हर ब्लू आईज वर सो ब्राइट दैट एवरीवन गॉट अट्रैक्टेड टू देम। जो भी उसे देखता ही रह जाता था। उसकी ब्राइट और शाइनी आईज की वजह से ही सभी उसे प्यार से चमकी बुलाते थे। चमकी लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन और वो टाउन पहाड़ियों के बीच बसा था। देयर वर मैनी टॉल एंड ब्यूटिफुल पाइन एंड सेडर ट्रीज। और इन्हीं चीड़ और देवदार के पेड़ों के बीच एक स्मॉल वुडन कॉटेज थी, जिसमें चमकी अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ रहती थी। उसके पास कुछ शीप भी थी। चमकी स्कूल से वापस आकर पास ही के मेडोज में अपनी शीप को चराने ले जाती थी। शी लव टू स्पेंड टाइम विद हर कैटल, क्योंकि यही शीप उसके टॉयज एंड बेस्ट फ्रेंड्स थे। सबसे प्यारा उसका एक लैम्ब था, जिसे चमकी छौना बुलाती थी। वन डे देयर वॉज हसल एंड बसल इन द टाउन। टाउन में बहुत शोर शराबा था। पता है क्यों बच्चों? क्योंकि टाउन में एक बहुत बड़ा टॉय जंक्शन जो खुलने वाला था। इस टॉय जंक्शन में दुनिया भर के अमेजिंग टॉयज एंड राइड्स आने वाले थे। एवरीवन वाज सो एक्साइटेड। चंकी वाज आल्सो वेरी क्यूरियस, क्योंकि उसे भी न्यू टॉयज जो देखने थे। सो विद इन अ फ्यू मंथ्स अ ग्रैंड बिल्डिंग ऑफ 3 फ्लोर्स was built. It was covered with glass from all around. अलग अलग तरह के खिलौनों से टॉय जंक्शन भर दिया गया। टाउन के बच्चों में उन टॉयज को देखने की होर सी लग गई। हर बच्चा उस टॉय जंक्शन के अंदर जाकर उन टॉयज को देखना और छूना चाहता था। But these toys were very expensive. इसीलिए ये बच्चे उन टॉयज को दूर से ग्लास से झांकते हुए देखकर ही खुश हो जाते थे। अब तो हिल्स पर टूरिस्ट्स का आना जाना भी बढ़ गया था। मैनी पीपल केम टू एक्सप्लोर एंड एंजॉय दैट प्लेस ड्यूरिंग वेकेशंस विद देयर फैमिली एंड क्लोज वंस। और अपने बच्चों को टॉय जंक्शन घुमाने तो ज़रूर ले जाते थे। टाउन के सारे बच्चों की तरह चमकी को भी टॉयज देखना अच्छा लगता था। सो शी चेंज्ड हर रूट टू द मेडोज। अब तो चमकी भी अपनी शीप को चराने के लिए उसी रास्ते से जाने लगी जो टॉय जंक्शन के सामने से होकर जाता था। एंड एवरी डे She spent some time in front of the toy junction. ना जाने दूर से ही वह उन खिलौनों से क्या क्या बातें करती थी। One day, when Chumki was returning with her cattle from the field, suddenly a loud horn of a car disturbed the herd of sheep. और घबरा कर छौना उछल कर रोड पर कार के सामने आ गया। चमकी गॉट स्केयर्ड एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, मेरा छौना, मेरा छौना। विद अ ग्रेट नॉइस द कार स्टॉप्ड। द कार ओनर गॉट डाउन फ्रॉम द कार
द कार ओनर सॉ कि चमकी का छौना तो बिल्कुल ठीक ठाक है, पर चमकी अपनी आईज क्लोज करके रोए जा रही थी, मेरा छौना मेरा छौना। द कार ओनर कंसोल चमकी। ही सेड, ओपन योर आईज डियर लिटिल गर्ल, नथिंग हैज हैपेंड टू योर छौना, इट इज परफेक्टली ऑल राइट। चमकी स्लोली ओपेंड हर आईज और छौना को गोद में उठा लिया। द इनोसेंट फेस ऑफ चमकी फिल द हार्ट ऑफ द कार ओनर विद पिटी। और हाँ बच्चों, एक बात तो बताना भूल ही गई, ये कार ओनर मिस्टर मलिक थे, इस टॉय जंक्शन के मालिक। चमकी का रोना बंद करने के लिए मिस्टर मलिक उसको अपने टॉय जंक्शन में ले गए। As she entered the toy junction, चमकी को लगा जैसे वह सपनों की दुनिया में आ गई हो। चारों तरफ टॉयज ही टॉयज थे, कहीं रेलवे ट्रैक्स पर धुआं उड़ाती टॉय ट्रेन भागी जा रही थी, तो कहीं डांसिंग डॉल डांस कर रही थी, और ये क्या, अ बिग टेडी बियर वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, और कुछ बच्चे राइड्स एंजॉय कर रहे थे, एंड मैनी मोर अदर थिंग्स वर देयर। चमकी बिना पलक झपकाए उन टॉयज को देख रही थी, बट शी डिडंट टच एनी टॉय। आज तो चमकी भी इन टॉयज के बीच में एक प्यारी सी डॉल ही लग रही थी। मिस्टर मलिक वॉज कीनली ऑब्जर्विंग हर बिहेवियर and he was highly impressed by her. It was getting dark. Chamki ne kaha, ab mujhe ghar jana hai. Mr. Malik Chamki ko akele nahi jane dena chahte the. So he said, I will drop you. Mr. Malik ne Chamki ko apni car mein bithaya aur car chal padi pahadi raston par. After covering a short distance, when the car reached near a small wooden bridge, Chamki shouted, "Stop! Stop! Mera ghar aa gaya!" Chamki daud kar apni cottage mein gayi. Mr. Malik followed her. Andar jaakar unhone dekha, there was a dim light of a lantern. Ek chote se room mein 4 persons रह रहे थे। Seeing Mr. Malik, they became nervous. शायद वो उनको बिठाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। Mr. Malik understood their emotions and feelings. He said, "Your granddaughter is very cute and sincere. इससे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। Now I am getting late." So after saying this, he left the cottage. वापस लौटते समय पूरे रास्ते चमकी का innocent face उनकी आंखों के सामने घूमता रहा। When he reached home, he narrated the whole incident to his wife. His wife said, हमारे कोई बच्चा नहीं है, क्यों ना हम उस बच्ची को ही adopt कर लें? Mr. Malik said, Oh dear! You have stolen my words. मैं भी तो यही सोच रहा था। The next day they both reached Chamki's home. Mr. Malik ने उसके parents के सामने चमकी को गोद लेने का proposal रखा। इससे पहले कि चमकी के grandparents and parents को सोच पाते, Mrs. Malik ने चमकी की ओर देखा। वह कुछ सहमी सी दिख रही थी। She said, चमकी आपको हमारे घर में ढेर सारे toys, dresses, chocolates मिलेंगे और हम आपको बहुत प्यार से रखेंगे और हर तरह से खुश रखेंगे। चमकी said, Dear auntie, I have my family, villagers, cattle and the beautiful nature which make me happy. मैं इनको नहीं छोड़ सकती, और फिर मेरा छौना किसके साथ खेलेगा?
होल्डिंग द हैंड ऑफ मिस्टर मलिक. चमकी सेट, अंकल योर टॉय जंक्शन इज वंडरफुल. इफ यू रियली लव मी एंड यू रियली वॉन्ट टू सी मी हैप्पी देन प्लीज डू वन थिंग. मेरे टाउन के बच्चों ने कभी इतने वंडरफुल टॉयज एंड राइड्स नहीं देखे हैं. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीक में एक दिन सिर्फ हम बच्चों के लिए अपने टॉय जंक्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन रखें. इस तरह से तो आपको ढेर सारे बच्चे भी मिल जाएंगे. मिस्टर मलिक एंड मिसेस मलिक लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड. चमकी को गोद में उठाते हुए मिस्टर मलिक सेड, एज यू विश प्रिंसेस, अब से एवरी संडे हमारा टॉय जंक्शन टाउन के सारे बच्चों के लिए ओपन रहेगा. एंड वन थिंग मोर, हर बच्चे को उसके बर्थडे पर उसका फेवरेट टॉय एज अ गिफ्ट भी दिया जाएगा. चमकी खुशी से मिस्टर मलिक के गले से लिपट गई.